लाखों करोड़ों दरुदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अलोक ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। आज आप लोगों को डे सेटिंग के मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो काफ़ी बार मरतबा आपने चैनल पर बराह रास्त दिखाई गई थी, ठीक है, लेकिन फिर से आप लोगों को वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको F1GX405 रिसीवर की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, सेटेलाइट किस तरह से डायरेक्ट स्विच कैसे डालते हैं, ठीक है, और उसमें सेटेलाइट्स को कैसे समझा जाता है। जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का फॉर्मेटिक वीडियो आप तक बर्वक पहुँचते रहे। तो बिस्मिल्ला पढ़ते हैं जी। सबसे पहले ये देखिए जी, मेरा ये LED लगा हुआ है, ठीक है जी, और ये अभी नो सिग्नल पर खड़ा है, ठीक है जी। ये 6GX405 का मेन्यू है, आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है जी। ये मेन्यू का बटन जो सामने, ये मेन्यू का बटन है, ये दबाने से आ जाएगा, ठीक है जी। ये एक्टिव सेटेलाइट है, बिल्कुल चल रहा है। मैं इस पर ज़्यादा देर चैनल नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि फिर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन का सामना हो सकता है जी, ठीक है जी, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जाना है जी, अगर हमने मिसाल के तौर पे इसको रीसेट किया हुआ है, हमने इसके सेटेलाइटें ऐड करनी है, सबसे पहले हमने इसका जो है खोल लेना है जी एंटेना सेटअप। एंटेना सेट के अंदर गए, ठीक है जी। तो ये मैंने ARY की TP डाल रखी है, ये देखें जी, ठीक है जी, 4060V 26666 पोर्ट नंबर 1। ये डैजक डली हुई होती है, आप लोगों को ये समझना है कि ये डैजक डली हुई है, ठीक है जी। ये डैजक किस बटन से डालनी है, इस बटन से आपने ये डैजक स्विच डालनी है, ठीक है जी। ये डल गई, फिर इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये TP ऐड हो गया, फिक्स एंटेना हो गया जी, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है जी। अब इसी के अंदर सेटेलाइट चेंज करनी है, हम लोग ऐसे इतना कर लेंगे, ठीक है जी, और नीचे कर देंगे ये KU। ये देखें जी 11090 मेट्रिकल, ठीक है, 29500 पोर्ट नंबर 3, डैजक पोर्ट नंबर 3। ये जो पोर्ट होगी ये डैजक में होगी, अगर आपने डैजक नहीं लगाया तो आपको पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग TP भी ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है जी। तो अब मेन चीज़ जो है हमें यहाँ पर समझने वाली है कि TP कैसे डालते हैं। ये TP लिस्ट आ गया, TP लिस्ट के अंदर आ गए, ठीक है जी, ये देखते हैं, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर करता हूँ 11510V 29500, तो ठीक है जी, बस ठीक है। अब मैं वायर उतरा हुआ है, मेरे को डर नहीं है कि मैं अगर इसको दिखाऊंगा तो मेरा जो है वो काम ख़राब हो जाएगा। ये KU बैंड NS6 95 डिग्री है, ठीक है जी, आपके सामने जो मूविंग पर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है जी, काम कर रहा है ये, ठीक है जी। TP कैसे डायल करनी है, यहाँ देखें, ये ऐड बटन लिखा हुआ है, ठीक है, और वो ऐड बटन रिमोट पर कहाँ है, ये देखें, ये वो रिमोट बटन है, ठीक है जी, F2 का, ठीक है। रेड बटन ये एडिट करने के लिए, अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है, मिसाल TP चेंज करनी है आपने, तो आपने ये रेड वाला बटन इस्तेमाल करना, ठीक है जी। फिर आ जाता है डिलीट का ऑप्शन, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर किधर है जी, ये देखें F3, ठीक है जी, ये डिलीट ऑप्शन। फिर आ जाता है ये ब्लू, ठीक है जी, ब्लू का आप जैसे ही बटन दबाएंगे जो स्कैनिंग हो जाएगी, ठीक है जी, अगर आपने TP स्कैन करनी है तो, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी डिलीट, आपने ये एक का बटन प्रेस करना है, ये तमाम तर रिसीवर की TPयां डिलीट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब आपको इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली होती है वो आप समझते नहीं है तो फिर काम खराब होता है। तो आप कहते हैं कि जी हम चैनल स्कैन करके थक गए, हमारे पास चैनल पूरे ही नहीं आ रहे, तो चैनल आपके पास कैसे पूरे आएंगे आप वो देखें। ये 5150C बैंड, यह देखें, ये जो सी बैंड है ना, मैंने आप लोगों को काफी मरतबा बताया था कि LNB फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी, 5150, ठीक है, सी बैंड कोई भी है वो 5150 है, और KU बैंड कोई भी है, मिसाल के तौर पे ये मेरा सी बैंड है, तो ये देखिए 9750 10600, समझ आ रही होगी अब दोस्तों को मैं क्या बता रहा था, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट जो है आप लोगों को वीडियो देने का सोचा। मैंने कहा ये डिश सेटिंग और फिटिंग का जो कॉन्टेंट है ये काफ़ी जो है मुश्किल भी है, ये इतना ईजीली है भी नहीं, ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अब रिसीवर के अंदर जो है ये देखें, ये जी EK Link का मॉडल है, ये इसका वर्जन है लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है जी। कब ये वजूद में आया जनाब, कब इसका सॉफ्टवेयर हुआ था, ये देखें, ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर डेट शो हो जाती है, ठीक है जी। इसमें सर्वर ऑप्शन भी है ऑलरेडी, ठीक है, ये C-Line सपोर्टेड है, C-Line भी ये चला लेता है, ठीक है। तो ये खुलता कैसे है, आपने यहाँ से क्या करना है,
66 66 दबाना है, वो देखिएगा वहां से गायब हो जाएगा। देखिए आप वहां पर नहीं जा नजर आ रहा, ये 66 66 दबाया, ये सर्वर वापस आ गया, ये चला गया, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदे को समझ नहीं पड़ती हैं। सेटेलाइट ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, सेटेलाइट लिस्ट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी की तमाम तरह सेटेलाइटें चूज़ कर सकते हैं, आपने कौन सी सेटेलाइट रखनी है, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी टीवी लिस्ट के, टीवी ले चैनल लिस्ट के ऊपर, ये देखें यहाँ पर भी वही जा रहा था, ठीक है जी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर सारी सेटिंग करके रखी हुई है, ठीक है, मेरे को जो चैनल चाहिए। यहाँ पर देखिए व्यू लॉक स्केप मूव मोर, ठीक है जी, आप यहाँ से जो मर्जी ये करना चाहें आप वो कर सकते हैं, बिला आसानी अपनी मर्जी से फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा जल्दी के अंदर समझा रहा हूँ ताकि उन लोगों को पता चल जाए यार, जो डी सेटिंग और फेटिंग में फंस जाते हैं, जो बंदे नहीं कर पाते, उनके पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता। फिर उसके बाद आता है जी स्कैनिंग, अब टीपी लग गई, सारा कुछ सेट हो गया, ये जी सिंगल सेटेलाइट, ठीक है जी। सिंगल सेटेलाइट में ये देखिए ये के यू बैंड दिखा रहा है, आपने यहाँ पर नो करना है, यस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पूरे के पूरे जो चैनल देखना चाहते हैं तो आप यानी कि आप NS6 के पूरे चैनल के यू बैंड के देखना चाहते हैं, आपने यहाँ पे यस करना है, नो रहने देना है। ये RTV चैनल की वजह का TV चैनल कर देना है और ब्लाइंड स्कैन रहने देना है, और यहाँ से स्कैन कर देना। स्कैन कहाँ से करना है आपने ये देखें, आप जैसे ये इसके ऊपर आएंगे यहाँ पर नीचे आपने ओके का बटन प्रेस करना है तो ये स्कैनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। ये बात भी आपको समझ आ गई। अब आ जाते जी लॉक लग गया जी, पैटर्न लॉक, ये देखें जी ये पैटर्न लॉक है, आप हम इसको एक बार लॉक बता देंगे तो ये पक्का पक्का इसके ऊपर लग जाएगा, फिर जब तक आप इसको लॉक नहीं बताएंगे तो ये आपका लॉक इसे नहीं खुलेगा, ठीक है जी। तो वीडियो को गौर से देखते रहें, बिल्कुल स्केप नहीं करना है, बिल्कुल फंस जाएंगे बाद में, शोर मचा रहे होंगे। ये देखिए जी मल्टीमीडिया प्लेयर, जैसे ही आप USB एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन सारे ये खुल जाएंगे, ये पावर VU का ऑप्शन आ जाएगा, ये अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, मीडिया प्लेयर का, USB डिवाइस, ठीक है जी। आपको इसमें से कुछ भी, कुछ लोग कहते हैं जी हम मैंने रिसीवर के अंदर USB लगाई हुई है, हम उसने गाने सुनने हैं तो कैसे सुनने हैं, तो ये देखें जी सिंपल, आपने ये USB का बटन आपके सामने दिख रहा होगा रिमोट का, आपने ये बटन प्रेस कर देना, ठीक है जी, और आप जो है USB खोल लेंगे और USB के गाने सुनने इस पर शुरू कर देंगे। अगर दो तीन चीज़ें होती हैं पर्सनल, ये इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया, सॉफ्टवेयर वर्जन, सेटेलाइट कैसे ऐड करनी है, TP कैसे डालनी है, ठीक है जी। ये मैंने आपको पूरा इसका तरीकाकार समझा दिया है, ये F1 GX 405, ठीक है जी, इसकी सेटिंग और इसकी फिटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, आपका काम है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जहां पर बात समझ नहीं आई वीडियो के अंदर कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दूंगा। आपका प्यार मबूद यही होता है कि वीडियो को सब्सक्राइब का लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह की फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।